हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैत्र नवरात्रि दूसरा दिन शुभ मुहूर्त संपूर्ण व्रत कथा और जानेंगे एक चमत्कारिक उपाय के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा आराधना की जाती है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। दूसरे दिन विधिवत इनकी पूजा से सभी काम पूरे होते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होकर विजय प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है। देवी के इस स्वरूप ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। दूसरा नवरात्रि तिथि व उपाय 14 अप्रैल बुधवार को। देवी ब्रह्मचारिणी ज्ञान व तपस्या की देवी है। नवरात्रि के दूसरे दिन विधिवत पूजा कर ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मां को पान, सुपारी व लौंग अर्पित करें। इस उपाय से न सिर्फ कार्यों में सफलता के मजबूत योग बनते हैं बल्कि मां की भक्ति से मन शांत रहता है। पूजा विधि, दूसरे नवरात्रि के दिन प्रातः स्नान कर देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके बाद देवी मां को स्नान कराकर सफेद फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद मां के मंत्रों का जाप कर देवी मां को शक्कर का भोग चढ़ाएं। भोग के बाद पान सुपारी मां को अर्पित करें। इसके बाद प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। इसके बाद घी व कपूर मिलाकर देवी मां की आरती कर लें। आइए जान लेते हैं इसकी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। नारद जी के कहे अनुसार कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपस्विनी पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान वे 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवी देवता ऋषि मुनि प्रभावित हुए और सभी ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव उन्हें उनके कठोर तप के कारण पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। इस तरह अपने कठोर तप से उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया।